इधर से आई थी गाइस बाढ़, इधर से बादल फटे थे जब आई थी, तो जो मंदिर बच गया था और जो है सारी बस्ती वगैरह सब ढह गई थी। और पल्ली तरफ चलते हैं, पल्ली तरफ से दिखाता हूँ मैं। तो गाइस केदारनाथ धाम एक बहुत अच्छा धाम है, एक बार ज़रूर आना इस धाम पे घूमने, मेरा आपसे यही कहना है। और भीड़ भी काफ़ी है, वो तो बारिश भी आने लगी है गाइस, ऐसा लग रहा है मुझे। तो गाइस बारिश आने लगी है, थोड़ी हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी है। और देखेंगे रुकने का जुगाड़ देखते हैं या यहाँ से निकलते हैं, बारिश पड़ी है तो यहीं रुकेंगे, नहीं तो यहाँ से सीधे कमरे पे निकलेंगे। और यहाँ पे बाबा जी ये देखो साइड से मंदिर का व्यू, ये देखिए मंदिर हो गया उधर से बंद, जो श्रद्धालु थे वो आ रहे हैं केवल मंदिर में से निकल निकल के। और बहुत ही अच्छा लगा केदारनाथ में आके। और यहाँ पे पानी भी देखो कैसा निकल रहा है टंकी में गऊ के मुख से, ये देखो गऊ के मुख से पानी निकल रहा है गाइस। और पीछे चलते हैं मंदिर के, थोड़े पीछे का थोड़ा व्यू देखते हैं मंदिर का, तो काफ़ी अच्छा लगा गाइस। मैंने आपको बताया ही था ये मंदिर जो है पांडवों ने स्थापना करी थी इस मंदिर की। और ये पीछे ये देखिए ये पीछे से ये देखो पीछे का व्यू। और गाइस यहाँ का जल जो है मंदिर के पीछे का जल अवश्य ले जाना चाहिए, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल होता है तो अवश्य ले जाना चाहिए। हेलीकॉप्टर भी घिरे उड़ रहे हैं, तो गाइस वो है भीमशिला, इसी की वजह से जो है केदारनाथ धाम जो है बचा था। बाढ़ जो आई थी तो आधा पानी इधर को निकल गया था, आधा पानी इधर को निकल गया था, तो जो है केदारनाथ धाम जो है जब बचा था। तो गाइस भोले की महिमा थी सारी, और कुछ नहीं है। और चलता हूँ मैं पल्ली साइड में, चलता हूँ दिखाता हूँ आपको। जय बाबा केदारनाथ की, बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हो गए बाबा के। और ये साइड का व्यू मंदिर ऊपर तक का। तो गाइस जो है बाबा जी आए थे तो वो कह रहे थे वीडियो मत बनाओ, ओम का जाप करो, भोले की सेवा करो, उसी में जो है सब कुछ है, वीडियो में कुछ नहीं है, ये कह रहे थे बाबा। मैं कह रहा चलो कोई बात ना, आजकल के लड़के तो वीडियो बनाते हैं बाबा से, तो कह रहे थे कोई बात नहीं बना लो। तो गाइस पीछे केदारनाथ मंदिर, और जो है बारिश चालू हो गई है, बूंदें पड़ने लगी हैं। तो गाइस और जो है इधर जो है सब तहस महस हो गया था 2013 में जो बाढ़ आई थी उसके चलते, तो बहुत ही तगड़ी बाढ़ आई थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा लोग जो है वो आए थे। तो जो है गाइस चलते हैं आगे और आपको एक बार और करा देता हूँ मंदिर के दर्शन आगे से, ये साइड के दर्शन उधर से ही निकलेंगे। ओहो बारिश भी अभी आनी थी, जय बाबा केदार की। तो आगे चलता हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको, दर्शन कराता हूँ। बारिश आ गई, थोड़ा भाग क्या चलता हूँ, बारिश का पता नहीं चलता कब किस टाइम बारिश चालू हो जा यहाँ पे। देखो बूंद भी लग गई कैमरे पे, जय बाबा केदार। तो गाइस आ गया मेन गेट पे मैं, और करिए बाबा जी के दर्शन।
भोलेनाथ के दर्शन करो गाइस। ये देखो भोलेनाथ का दर, बारिश आ गई है गाइस थोड़ी, और बहुत तगड़ी बारिश आ रही है इस समय। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ठिकाना मिलेगा नहीं मिलेगा रुकने के लिए। और जो गाइस यहाँ का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो पीछे का जो भी अच्छा व्यू था मैंने सारा दिखाई दिया है। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।